है माय बटरफ्लाई, कैसे आप सब? बढ़िया। आज की वीडियो में हम देखेंगे जिमिन के फैक्ट, जो कि मुझे पता है कि आपको पहले से ही पता है, पर फिर भी लेट्स स्टार्ट विद जिमिन नेम। जिमिन का नाम उनके ग्रैंडफादर ने रखा। जी का मतलब है ज्ञान, नॉलेज, और मिन का मतलब है आसमान, स्काई। जिमिन के ग्रैंडफादर चाहते थे कि जिमिन एक अच्छा इंसान बने जिसका दिमाग आसमान जैसा ऊँचा हो। वाओ, ग्रैंडफादर ने बहुत सोच समझ के नाम रखा। नेक्स्ट, जिमिन 9 सालों तक क्लास प्रेसिडेंट रहे हैं और 7-8 साल ताइक्वांडो सिखाए, जिसमें उनको ब्लैक बेल्ट भी मिला है। इसी के साथ जिमिना ने बुसन और सियोल के कई क्लब जैसे बिलियर्ड क्लब, रोबोटिक्स क्लब, बुक क्लब और सॉसर क्लब, इन सब में भाग लिया है। और उन्हें चाइना के एक बड़े इंस्टीट्यूट में मार्शल आर्ट सीखने के लिए स्कॉलरशिप मिली थी। अब वो बात और है कि जिमिन चाइना गई नहीं। नेक्स्ट, जिमिन के पास एक पेट डॉग था दोसुन नाम का, पर उसकी डेथ हो गई थी। जिमिन ने इसके बाद कोई भी पेट नहीं लिया। हालांकि जिमिन को एनिमल, खासकर डॉग और कैट, बहुत ज़्यादा पसंद है और वो खाली समय में डॉग और कैट की वीडियो ज़्यादा देखते हैं। जिमिन रिश्तों के मामले में बहुत इमोशनल हो जाते हैं, हद से ज़्यादा। 2017 के जापानीज़ मैगजीन हारू हाना वॉल्यूम 30 में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के बारे में पूछा गया था, तो जिमिन ने कहा कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, बस इसके बारे में सोचने से ही मेरा दिल दुखता है। फिर आराम ने बताया, अगर जिमिन लगातार किसी के साथ रहे और फिर उनका रिश्ता टूट जाए तो वो भी टूट जाएगा। जिमिन रिश्तों के मामले में कितने सॉफ्ट हैं, ये तो इससे ही पता चलता है कि अपने डॉग के मरने के बाद उन्होंने आज तक कोई नया डॉग नहीं लिया। नेक्स्ट, जिमिन के राइट आइस के ऊपर एक कट का निशान है जिससे उनकी आंखें कई बार सूज जाती है। जब जिमिन छोटे थे तब वो बाथरूम में गिर गए थे, जिसके वजह से उनके राइट आइस पर चोट आ गई, जिसमें 8 टाके लगे। ये निशान उन्हें अक्सर परेशान करता है। वैसा आंखों से याद आया, जिमिन की हंसते समय आंखें बंद हो जाती है और उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। जिमिन यहाँ कह रहे हैं, हंसो मत, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, मतलब हंसते समय तुम्हारी आंखें ऐसी हो जाती है। नेक्स्ट, जिमिन सिर्फ डांसर बनने बिग हिट में आए थे, उन्हें गाना नहीं आता था। जिमिन ने बचपन से ही सिर्फ डांस सीखा था, उन्हें गाने के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, पर कंपनी ने उन्हें वोकलिस्ट बनाने का सोचा। सिंगर बनने के लिए जिमिन ने दिन रात एक कर दिए। जिमिन ने TVN को दिए अपने इंटरव्यू में बताया था कि वो सिर्फ 2 घंटे सोते थे, सिर्फ 2 घंटे। 4 बजे सोते थे और 6:30 बजे स्कूल चले जाते थे। स्कूल से आने के बाद होमवर्क ख़त्म करके वो रात भर सुबह 4 बजे तक डांस और गाने की प्रैक्टिस करते थे। कंपनी ने जिमिन को 8 बार टीम से बाहर निकाल दिया था, यहाँ तक कि डेब्यू से ठीक एक दिन पहले भी। और सारे मेंबर से पूछने के बाद और जिमिन का हार्डवर्क देखने के बाद जिमिना को फिर से टीम में शामिल किया। जिमिन को हमेशा अपने फिगर की चिंता रहती है, खासकर शुरुआती दिनों में। ब्लड स्वीट टीयर्स के समय जिमिन ने 10 दिनों तक स्ट्रिक्ट डाइट की और दिन में सिर्फ 1 सेब खाया था, और उसके बाद इतनी प्रैक्टिस। जिमिन की हालत बहुत ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से उन्हें प्रैक्टिस से बाहर निकाल दिया था। जिमिन बहुत डाइट करते हैं, इसलिए आर्मी को अब भी उनकी चिंता रहती है। अभी हाल ही में अपने न्यू एल्बम के लिए भी जिमिन डाइट पर थे, इसलिए जोहोप को उनकी बहुत चिंता हो रही थी। नेक्स्ट, कोई भी अवार्ड जीतने के बाद जिमिन अक्सर आर्मी को लेटर लिखते हैं, थैंक यू पोस्ट करते हैं और हमेशा लिखते हैं आर्मी ने अवार्ड जीता। इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, शायद आपको याद होगी। जिमिन को स्टेज के लिए 2 नाम दिए थे, एक बेबी जे और एक बेबी जी। जिमिन ने कहा, जब मैंने हाय आई एम बेबी जे कहा तो ये मुझे बहुत अजीब लगा, इसलिए मैंने अपने असली नाम ही स्टेज नेम के लिए चूज़ किया। जिमिन की लाइफ में 4 चीज़ें कॉमन होती है। आप उनकी नई या पुरानी कोई भी लाइव देखना, उसमें सबसे पहले होता है थैंक यू, फिर सॉरी कि मैं इस वक्त लाइव आया, या फिर मैं इतने दिनों बाद लाइव आया, मैंने आपको बहुत इंतज़ार करवाया, सॉरी, फिर मैं अपना खाना अच्छे से खा रहा हूँ, आप लोग मेरी चिंता मत करना, और लास्ट में तुम लोग अपना अच्छा ध्यान रखना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और एक बार फिर से लास्ट में सॉरी कहना, और लास्ट में फिर थैंक यू और लव यू कहना,
जिम इनकी हर लाइफ में ये चार चीज़ें ज़रूर ज़रूर होती है। नेक्स्ट, जिमिन ने टॉक शो लेट्स BTS में बताया कि उनका सबसे बड़ा खजाना है मेंबर के द्वारा दिया गया बर्थडे कार्ड। मेंबर ने जो पहले उनको बर्थडे कार्ड दिया था वो उन्होंने अब तक संभाल के रखा है, फिलहाल वही उनका सबसे बड़ा खजाना है। जिमिन ऐसे इंसान हैं जिन्हें खुद से खुद को ही चोट पहुँचानी होती है, पता नहीं कैसे उन्हें खुद से ही चोट लग जाती है। आराम से चिमिना, क्या आपके साथ कभी ऐसा होता है? जिमिन ने अपने बेड रूटीन इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें बहुत यूनिक सपने आते हैं, लगभग हर दिन आते हैं। जिमिन कहते हैं, एक गेम है जो मैं आजकल खेल रहा हूँ। कभी कभी मैं सपने में देखता हूँ कि कोई मुझे धमका रहा है और मेरा पीछा कर रहा है, या मैं किसी से भाग रहा हूँ या उसका पीछा कर रहा हूँ। मेरे सपने बहुत डायनामिक होते हैं। नेक्स्ट, क्या आपने नोटिस किया है कि जिमिन के कंधे से उनकी जैकेट या शर्ट खुद ही नीचे हो जाती है? मेंबर जिमिन को चिढ़ाते हैं कि तुम ऐसा जानबूझ के करते हो, जबकि जिमिन का कहना है कि ये खुद से ही होता है, इट्स जस्ट एन एक्सीडेंट। ये एक्सीडेंट तो नहीं लग रहा जिमिना। आपको क्या लगता है, ये खुद से नीचे होती है, जिमिन करते हैं? नेक्स्ट, जिमिन ने हाल ही में वॉक को दिए इंटरव्यू में बताया कि एक चीज़ जो हमेशा ट्रैवल करने के दौरान उनके साथ होती है वो है ये फेस मास्क। जिमिन कह रहे कि मैं ये ऐड नहीं कर रहा हूँ, ये मैंने अपने पैसों से ख़रीदा है। ये फेस मास्क मैं सोने से पहले रोज चेहरे पर लगाता हूँ और फिर सोता हूँ, इसलिए जब मैं बाहर दूसरी जगह जाता हूँ तो इसे ज़रूर साथ में रखता हूँ, तभी फेस पर इतना ग्लो है जिमिना। नेक्स्ट, जिमिन जो सारे मेंबर्स का बर्थडे केक खुद तैयार करते हैं, मतलब वो किसी का बर्थडे नहीं भूलते। शुगा का बर्थडे जिसका केक जिमिन ने रेडी किया, यहाँ जिमिन ने आरम के लिए उनके बर्थडे पर उनका फेवरेट राइस केक खरीदा, इसलिए आरम इतना उछल रहे हैं। ये जिमिन हैं जो वी का बर्थडे केक रेडी कर रहे हैं। यहाँ जिमिन जे होप जंगकुक का केक रेडी कर रहे हैं। और यहाँ जिमिन जिन का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ये हुडी जो जिन ने पहनी है वो भी जिमिन ने गिफ्ट की है। और जिमिन जेहोप के बर्थडे पर उनसे मिलने गए उनके लाइव में। नेक्स्ट, जिमिन के सामने के दो दांत थोड़े से टेढ़े मेढ़े हैं, मतलब आगे पीछे हैं, जिसके लिए जिमिन के डेंटिस्ट ने उन्हें ब्रेसेस पहनने को बोला है, लेकिन जिमिन हर बार अगले साल बोलकर टाल देते हैं। नेक्स्ट, जिमिन जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, इसलिए उनके बाकी मेंबर से लड़ाई भी हो जाती है। इनफैक्ट जिमिन की ही सबसे ज़्यादा लड़ाई हुई है, पर सॉरी भी सबसे पहले जिमिन ही कहते हैं, मनाते भी वही हैं। जिमिन को जितनी जल्दी गुस्सा आता है उतनी ही जल्दी शांत भी हो जाता है। जिमिन के बारे में बाकी चीज़ें तो आपने जिमिन की पर्सनैलिटी वीडियो, हैबिट वीडियो, चाइल्ड इज़ फनी वीडियो और लाइफ स्टोरी में देख ही ली है।
जिमेना बहुत प्यारे हैं ना। ओके देन, फिर मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।